बल्लारपुर में दिन दहाड़े कपड़े की दुकान में आग लगाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। सुबह करीब 10:30 बजे अज्ञात व्यक्तियों ने पॉपुलर मालू क्लॉथ स्टोर में पेट्रोल से भरी बोतल से आग लगा दी। इस घटना में दुकान के एक कर्मचारी को मामूली चोट आई है, लेकिन दुकान में मौजूद लोगों की त्वरित कार्रवाई के कारण बड़ी आगजनी टल गई। मालू क्लॉथ स्टोर बल्लारपुर के गांधी चौक पर स्थित है। सुबह दुकान खुलते ही 3 अज्ञात हमलावरों ने दुकान में पेट्रोल से भरी जलती बोतल फेंकी। घटना से अफरा तफरी मच गई और दुकान में काम करने वाले एक कर्मचारी कार्तिक सखाकर को मामूली चोट आई है। हमलावर मौके से भाग गए, लेकिन दुकान में मौजूद लोगों ने आग पर तुरंत काबू पा लिया। सूचना मिलने पर बल्लारपुर पुलिस दुकान पर पहुंची और घटना का सीसीटीवी फुटेज हासिल किया। भरे बाजार में कपड़े के शोरूम में गोलीबारी और पेट्रोल बम फेंक कर दहशत मचाने की घटना से हड़कंप मच गया है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। गोलीबारी में दुकान के कर्मचारी के पैर में लगी गोली से मामूली चोट आई है। दोपहिया से आए 3 हमलावर ने पूरे वारदात को अंजाम दिया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर शहर के गांधी चौक पर स्थित मालू कपड़ा दुकान शोरूम पर अज्ञात हमलावरों ने पेट्रोल बम फेंका और गोलीबारी की। इस घटना में दुकानों में काम करने वाला कार्तिक साखरकर उम्र 32 घायल हो गया है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि हमलावर किस कदर बेखौफ होकर घटना को अंजाम दे रहे हैं। घटना के बाद घायल को तुरंत अस्पताल भेज दिया गया है और पुलिस जांच में जुट गई। नकाब और टोपी पहने 3 हमलावर बाइक पर आए और प्रारंभ में एक हमलावर ने दुकान के प्रवेश द्वार के पास एक एक कर 2 पेट्रोल बम फेंका। वहीं 2 अन्य साथियों ने दुकान में घुसकर फायरिंग कर दी। पेट्रोल बम फेंकने से दुकान में आग भी लग गई थी। इसमें दुकान का मालिक अभिषेक मालू बाल बाल बच गया। गनीमत यह रही कि इस घटना में दुकान के अन्य कर्मचारी सुरक्षित हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि दुकान के मालिक सुरेश मालू और सुनील मालू पर हमले की योजना बनाई गई होगी। एक साल पहले भी इसी दुकान में किसी अज्ञात ने आग लगाई गई थी, जिसके बाद पड़ोस के ही एक युवक पर आपसी मतभेद के कारण घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया गया था और पुलिस में शिकायत भी की गई थी। तभी से संदिग्ध फरार है। पुलिस की जांच में अभी तक पुरानी घटना के आरोपियों का पता नहीं चल सका है और संदिग्ध सूरज गुप्ता पिछले साल से फरार है। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। पुलिस इस बात की जांच करी है कि एक साल पहले की घटना का आज की गोलीबारी से कोई संबंध है या नहीं। कोयला, रेत, सुगंधित तंबाकू, शराब, बांस और अन्य उद्योगों के कारण बल्लारपुर शहर में अपराध बढ़ गया है और इसे रोकना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। अपर पुलिस अधीक्षक रीना जनबंधु ने घटनास्थल का दौरा कर जांच कार्य का जायजा लिया। लगातार बढ़ रही इस तरह की घटनाओं से पुलिस का खौफ खत्म होता नजर आ रहा है। 2 दिन पहले भी चंद्रपुर शहर में स्थित रघुवंशी कॉम्प्लेक्स में मनसे नेता पर गोलीबारी की घटना से शहर में हड़कंप मच गया था। ये घटना ताजा ही है कि आज एक और घटना से हड़कंप मच गया। घटना के बाद व्यापारी मंडल आक्रामक हो गया और मार्केट बंद करते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। पुलिस सूत्रों से संदेह है कि हमला मालू और उनके पड़ोसी सूरज गुप्ता के बीच पुरानी रंजिश के कारण हुआ है, जो कथित तौर पर अवैध तंबाकू तस्करी और ऑनलाइन सट्टेबाजी में शामिल है। एक साल पहले मालू की दुकान जला दी गई थी और गुप्ता इस मामले में मुख्य आरोपी था। आरोपी गुप्ता तब से फरार है और यहां तक कि अदालत ने भी उसे अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने इस संबंध में अपराध दर्ज कर लिया है और मामले की आगे की जांच पुलिस कर रही है। मेरे पे जानलेवा घटना हुई। मैं दुकान पे बैठ के था सुबह, तो कुछ लड़कों ने आके मेरे पे मुझे मारने की कोशिश की बम से और बाकी भी एक्सप्लोजिव वगैरह से। मांग यही है कि हमको ये चीज़ से बहुत मतलब जल्दी से जल्दी बाहर निकालो। आज 1.5 साल हो गया मेरी दुकान जल के, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया अभी सर। इतना मतलब हर चीज़ इतनी एडवांस रह के भी आरोपी को क्यों नहीं पकड़ रहे, ये सब अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। हर चीज़ का आजकल सॉल्यूशन है, लोग कहीं से भी पकड़ के ला सकते हैं, लेकिन इसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। और हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हमारे हर बंदा कहीं ना कहीं जाते रहता आते रहता। ये आज मेरे साथ हुआ, कल को मेरे कोई फैमिली मेंबर के साथ नहीं होना चाहिए। मेरा शक है सूरज गुप्ता, नीरज गुप्ता और उसकी पूरी फैमिली पे शक है। 100% वही लोग है और उन्होंने ये काम करवा रहे। वो लोग हम पे दबाव डाल रहे हैं जबरदस्ती की, वो हमारा केस वापस ले लो, सेटलमेंट करो। हम सेटलमेंट नहीं करने जा रहे, तो वो सब ये सब काम कर रहे हैं। क्या हुई आज? ये पहली घटना नहीं है, ये तीसरी बार हुआ है। और सीधा सीधा इसमें पहली बार में आग लगा के मतलब पूरे घर को जलाने का प्रयास हुआ था। दूसरी बार में चाकू से हमला किया, बच्चों को डराया धमकाया गया, मारने की कोशिश की।
और आज तीसरी बार तो दिन दहाड़े 10:30 बजे के करीब दुकान पे आके हमला किया, मतलब हमलावरों की इतनी हिम्मत बढ़ गई। दूसरी चीज ये आती, सवाल ये आता है कि भाई जब पुलिस प्रशासन को मालूम है जिसके घर पे जो घटना हुई उन्होंने बाकायदा नाम लेके रिपोर्ट दिया है, तो फैमिली मेंबर तो पूरे उनके यहाँ पे है, वो एक ही जन फरार है, तो बाकी लोगों से पता नहीं चलता क्या? अपने माँ बाप बेटे भाई बहन से बात नहीं करता होगा, ये कैसा पॉसिबल है? पुलिस फोन रिकॉर्ड से पता लगा सकती है, आजकल तो फोन से मालूम पड़ जाता लोकेशन, और वो अपने फैमिली के संपर्क में नहीं होगा ऐसा कैसा मानेंगे? बेटा माँ के बाप के भाई के संपर्क में नहीं होगा, व्यापार उसका इतना बड़ा है, तो कहीं ना कहीं तो पुलिस भी इसमें मतलब ढिलाई कर रही है ऐसा हमको लगता है। हम ये नहीं बोल रहे कि पुलिस काम ही नहीं कर रही, लेकिन ढिलाई बरत रही है। अब वो जो भी वजह होंगे, यहाँ पे पुलिस प्रशासन का फेरफार होने के वजह से, बोले जैसे आज एसपी साहब आए बोले मेरे को तो 6 महीना हुआ, तो इस तरीके के वजह से भी हो सकता कि भाई दिरंगाई की जा रही है। जब पूरी फैमिली उसकी यहाँ पे है, व्यापार है, बाजू में ही दुकान है, कोई ज्यादा दूर दुकान नहीं है, और पुलिस जब सवेरे मेरे सामने की घटना है, मैं दुकान पे आया यहाँ पे जब देख के निकला, तो पुलिस ने मेरे सामने, मैं जब यहाँ आ रहा था तो उनकी पूरी फैमिली को शटर डाउन करा के पकड़ के लेके गए। क्या किए? लेके गए तो क्या किए भाई? माँ है उसके यहाँ, पिताजी है उसके, भाई है, बात तो होती होगी ना। पुलिस फोन के रिकॉर्ड निकाले तो पता चल जाता कि लड़का कहाँ पे है, क्या हो रहा है, क्या उनको अगर ऐसा, तो पुलिस बहुत तोड़ने में माहिर है, इनोसेंट को ले जाते 8-8 दिन पता भी नहीं चलता, कोई अंदर गया तो बाहर ही नहीं आता जिंदगी भर, तो क्या 5 मिनट का काम है पता लगाने का? डंडे से तो हर कोई डरता, तो पुलिस ने भी इसके ऊपर थोड़ा सा कड़क कार्रवाई करना चाहिए, और आप लोगों ने भी ये टेक्निकल बातों को उठाओ। आप पत्रकारों से मेरी यही निवेदन है कि भाई शादी रिपोर्ट में कोई मजा नहीं है, वो तो लोग पढ़ेंगे और छोड़ देंगे, टेक्निकली क्यों नहीं हो रहा ये चीज? आज हाईटेक का जमाना है, हमारे हिंदुस्तान में एक से एक चीज आई, फुटेज निकालता है, फुटेज देख रहे सब दिख रहा है उसमें, गाड़ी हर चीज की आइडेंटिफाई होती, कपड़े से आइडेंटिफाई होती, इस पे कॉलर पे बिल्ला लगा उससे आइडेंटिफाई होती, गाड़ी के ऊपर मार लगा तो उससे आइडेंटिफाई होती, पुलिस फिल्मों में जो बताया जाता वो रियल रहता, लेकिन यहाँ की पुलिस हमारी फिल्मी नहीं है, नकली पुलिस। एनबीसी न्यूज के लिए बल्लारपुर से सुनील ताड़ी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गोलियां खा ली, ऑपरेशन भी करा लिया, फिर भी नहीं मिल रहा है बवासीर फिशर भगंदर से आराम, तो आज ही आइए 14 साल से रुग्ण सेवा में तत्पर अभ्युदय पाइल्स लेजर एंड आयुर्वेद हॉस्पिटल, शताब्दी चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर।